डीवाई पाटिल स्टेडियम कल इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था। और क्यों नहीं, T20s में लगातार 10 बार हार का सामना करने के बाद 5 जनवरी को इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर इस सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल की है। एग्जैक्टली क्या हुआ मैच में जानेंगे इस वीडियो में। टॉस जीतकर इंडियन कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, जो आगे जाकर काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स अलिसा हिली और बेथ मूनी ने गेम की शुरुआत तो काफी दमदार की, लेकिन चौथे ओवर में तिताज साधु ने बेथ मूनी को और उसके अगले ओवर में रेणुका सिंह ने ऑस्ट्रेलियन कैप्टन अलिसा हिली को चलता कर दिया। 19 वर्षीय तिताज, जिनका मैच के पहले खेलना भी तय नहीं था, एक्स्ट्रा पेसर्स की जरूरत के चलते हरमनप्रीत कौर और कोच अमोल मजूमदार ने उन्हें लास्ट मोमेंट में प्लेइंग 11 में शामिल किया और फिर तिताज ने अपना कमाल दिखाया। पावर प्ले खत्म होने से पहले तिताज ने ऑस्ट्रेलिया को 3 बार झटका दिया और उनकी रॉक सॉलिड बैटिंग लाइनअप को जड़ से उखाड़ फेंक डाला। ऑस्ट्रेलिया जो 4 विकेट्स के नुकसान पर सिर्फ 33 रन बना पाई, उसकी डोर काफी देर तक एलिस पेरी और फीबी लिचफील्ड ने संभाली और दोनों ने मिलकर 79 रनों की साझेदारी भी बनाई। लेकिन 15 ओवर में फीबी 49 रन पर अपना विकेट खो बैठी और इसके चलते एक बार फिर इंडिया ने मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसके बाद क्या था, एक के बाद एक विकेट्स के चलते ऑस्ट्रेलिया केवल 141 रनों पर ऑल आउट हुई। जी हाँ, केवल 141 रन, क्योंकि डीवाई पाटिल स्टेडियम में पहले बैटिंग करते वक्त एवरेज टोटल हमेशा 170 से 180 के बीच रहा है। 142 का टारगेट चेस करने आए स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने ऐसी पारी खेली जैसे कि ये उनके बाएं हाथ का खेल हो। दोनों ने पहले विकेट के लिए 137 रनों की पार्टनरशिप बना डाली, जो अभी तक की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाईएस्ट वुमेन्स T20 इंटरनेशनल पार्टनरशिप है। कुछ ड्रॉप कैचेस जरूर थे और ड्यू के चलते ऑस्ट्रेलिया के लिए फील्डिंग उतनी आसान नहीं थी। 16th ओवर में जॉर्जिया वेरहम ने स्मृति मंधाना को 54 रन्स पर चलता किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इंडिया को अब 28 गेंदों में केवल 5 रन्स चाहिए थे, जिसे शेफाली वर्मा और जमीमा रॉड्रिक्स ने काफी आसानी से बनाया। टीम इंडिया ने 17.4 ओवर्स में 145 रन्स बनाकर ये मैच अपने नाम किया। तिताज साधु इंडिया की यंगेस्ट क्रिकेटर बनी, जिन्होंने वुमेन्स T20 इंटरनेशनल में 4 विकेट्स लिए और इसी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी उन्हें ही मिला। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सेकेंड T20 इंटरनेशनल मुकाबला संडे को यानी 7 जनवरी को होगा। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया ये सीरीज जीत पाएगी या ऑस्ट्रेलिया देगी एक मुंह तोड़ जवाब? हमें कॉमेंट्स में बताइए।